पब्लिक टीवी आपकी आवाज। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसों की जांच पर कहा कि न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं। हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भाजपा काम नहीं करती, मोदी सरकार काम नहीं करती है, योगी सरकार काम नहीं करती। प्रदेश के मुखिया योगी जी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं और जहां तक मदरसों की बात है, शिकायत होने पर जांच कराई गई है, जांच के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और मदरसा शिक्षा का मुख्य ध्येय ये है कि गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजदूर के बेटे भी हुजूर होंगे। देखिए, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश भाजपा में हो गया है, पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, इसलिए आगे बढ़ा है। जहाँ तक आप लोग प्रश्न करते हैं सूची की, प्रत्याशियों की, तो हर दल और भारतीय जनता पार्टी विशेषकर विभिन्न आयामों पर विचार करते हुए प्रत्याशी घोषित करने का काम करती है और निश्चित रूप से प्रत्याशी घोषित शीघ्र हो रहे हैं और हम 80 ही लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मदरसों की बात है, मदरसों की जांच हुई है, 1300 के आसपास या कितने मदरसे, 13000 बैन होने जा रहे हैं, लेकिन जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो इंडिया के अध्यक्ष हैं हाफिज नूर अहमद जाहिद, उन्होंने कहा है कि ये एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और कभी राम मंदिर के नाम पे हिंदू तो चंदा भी ले रहे हैं, लेकिन हम अगर कुछ करते हैं तो टारगेट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? मित्रों, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं, हिंदू और मुस्लिम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, मोदी सरकार काम नहीं करती है, योगी सरकार काम नहीं करती है। मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अहर्निश काम कर रहे हैं। जहाँ तक मदरसों की बात है, शिकायत होने पर जांच कराई गई है, जांच के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी और मदरसा शिक्षा का मुख्य ध्येय है गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। उसी को बात को ध्यान में रखकर मदरसा शिक्षा में अब हम AI कृत्रिम नॉलेज का भी विधान कर रहे हैं, उनको देने का काम कर रहे हैं। तो जो बात बंद करने की बात है, इस पे अभी मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा। चलिए सर, सर कल पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उन्होंने कहा कि मिशन 400 पार नहीं 400 पार। देखिए अब माननीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं ये तो जनता निर्णय लेगी। समाजवादी पार्टी सच में अपराध से और अपराधियों से जुड़ी पार्टी रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को धता बता दिया है, इसलिए उनको डर लग रहा है कि वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। देखिए अब ये अब आपने विषय उठाया है, ये जो छापे होते हैं, छापेमारी जो होती है सिस्टम के अनुसार होती है, जहाँ कंप्लेंट होती है, जहाँ क्योंकि अब हर खाता जुड़ा हुआ है, मतलब सब हर खाते के सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं, कहाँ पर क्या पैसा निकल रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, तो उस अनुसार कार्रवाई हो रही है। धन्यवाद।